हाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और लाइक वीडियो को भी कर दें, बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोग का सिद्धार्थ लाइव परिवार में। मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला, मैं कर रहा हूं अपना मास्टर्स फ्रॉम NID त्रिची। अब सच में NID त्रिची से ही मास्टर्स कर रहा हूँ क्योंकि अब NID त्रिची आ चुका हूँ। ठीक है, चलो जोक सपाट आगे बढ़ते हैं। आज का ये जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा कि यार देखो यार, छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर वीडियोस बनाने से अच्छा ना एक पूरा वीडियो बना देता हूँ एमटेक स्टाइपमेंट के ऊपर, जहां पर हो सकता है तो मैं सारे के सारे पॉइंट, जो भी आप लोगों को डाउट आ रहे होंगे वो सारे के सारे पॉइंट मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे ब्लॉग को इतना सारा प्यार देने के लिए। सबसे पहला पॉइंट आता है कि ये स्टाइपमेंट, एमटेक का जो स्टाइपमेंट होता है वो देता कौन है यार। देखो, जो एमटेक का जो स्टाइपमेंट है उसको दो लोग देते हैं, ठीक है। जो लोग IITs में, NITs में, IIITs में पढ़ते हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, उनको जो स्टाइपमेंट मिलता है वो MHRD की तरफ से मिलता है। उनको कुछ नहीं करना पड़ता है, बस कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है, उसके बाद से उनका स्टाइपमेंट चालू हो जाता है। दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं AICT, AICT ही उनको स्कॉलरशिप देता है, जैसे जो लोग प्राइवेट कॉलेज से एमटेक कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से एमटेक कर रहे हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी से एमटेक कर रहे हैं, उनको जो स्टाइपमेंट मिलता है वो AICTE के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो जो MHRD के स्टाइपमेंट में तो कुछ नहीं करना पड़ता, जब AICTE का जब स्टाइपमेंट मिलता है तो जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो वहां पे वो लोग आपसे फॉर्म वगैरह भरवाते हैं AICTE के वेबसाइट पे जाकर, कि जो स्टाइपमेंट होता है वो कितना होता है। और जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्टाइपमेंट कटता है, तो स्टाइपमेंट कटता कैसे है? देखो, सबसे पहले बात जानने की बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्टाइपेंड होता है वो 12,400 रुपए पर मंथ एमटेक के स्टूडेंट को मिलता है। क्या होता है, IITs और NITs, IIITs में वेरियस टाइप के रूल्स होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, आपको अटेंडेंस देनी होती है। कुछ IITs में क्या होता है, NITs में क्या होता है, मैं स्पेसिफिकली नाम नहीं बताऊंगा, जब सब ये मैं एक मतलब एक जनरल कैटेगरी के अंदर सब डाल देता हूँ, ठीक है। पहले IITs, NITs, IIITs वो होते हैं जहां पर सिर्फ एक टाइम अटेंडेंस लगानी पड़ती है, मतलब जो वर्किंग डेज हैं या जो वर्किंग क्लास डेज है वहां पर आप जाओगे, अपना साइन करोगे रजिस्टर में, या फिर वहां पर अगर बायोमेट्रिक सिस्टम है तो आप अपना बायोमेट्रिक सिस्टम मतलब बायोमेट्रिक दोगे डिपार्टमेंट में, तो मान लिया जाएगा कि हाँ आज आप प्रेजेंस थे, मतलब आप आए थे, ठीक है। तो उससे आपका स्टाइपमेंट नहीं कटेगा। कुछ IITs, NITs, IIITs होती है जहां पर दो बार देना पड़ता है, जैसे IIT रुड़की मुझे पता है, ठीक है, NIT राउरकेला शायद मुझे पता है। यहां पर क्या होता है, आपको देनी पड़ेगी, उसके बाद आफ्टरनून में जाकर फिर एक बार आपको अटेंडेंस देनी पड़ेगी, तो दो बार यहां पर अटेंडेंस देनी पड़ती है। तो स्टाइपमेंट कैसे कट होता है, जैसे अगर आप पूरे एक दिन प्रेजेंस नहीं थे, जैसे एक IIT है वहां पर सिर्फ एक दिन वाला साइन वाला सिस्टम है, ठीक है, तो वहां पर अगर आप नहीं पहुंचे तो 12,400 को 30 से डिवाइड कर लो, कुछ 400 रुपए समथिंग आता है, उतना रुपए आपका एक दिन का कट जाता है डायरेक्टली स्टाइपमेंट से। दूसरी चीज, अगर आप जैसे जहां पर दो दो बार वाला सिस्टम है, मॉर्निंग और आफ्टरनून, आप मॉर्निंग में नहीं पहुंच पाए, आप आफ्टरनून में पहुंचोगे, तो वो 400 को डिवाइड कर दो, 200 समथिंग आएगा, तो 200 रुपीज आपका कट जाएगा। अगर आप, तो ये फायदे भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। AICTE के टाइम पर ऐसा कुछ नहीं होता है, मैंने देखा है जो बच्चे हैं ना उनको पूरा स्टाइपमेंट लगातार मिलता जाता है, बस उनके पासिंग सर्टिफिकेट, पासिंग मार्क्स, पास होते रहने चाहिए वो लोग, बार बार फेल नहीं होने चाहिए, ठीक है, उनके जो बैकलॉग्स हैं वो सब क्लियर होते रहने चाहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो स्टाइपेंड होता है वो मिलता किसको है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, स्टाइपेंड उन सारे बच्चों को मिलता है जिन्होंने गेट के एग्जाम को क्रैक किया है और अपने कॉलेज के अंदर एडमिशन गेट के थ्रू लिया है। जैसे जो IITs, NITs, IIITs में दो टाइप के कोर्स होते हैं, एक सेल्फ स्पॉन्सर्ड होता है, एक स्पॉन्सर्ड होता है, और एक होता है नॉर्मल जो गेट के थ्रू आते हैं, ठीक है। तो सेल्फ स्पॉन्सर्ड में क्या होता है, आपको फीस देनी पड़ती है, स्टाइपमेंट कुछ नहीं मिलता है क्योंकि आपने वहां पर रिटन और इंटरव्यू दिया है। स्पॉन्सर्ड कैटेगरी वो लोग होते हैं जो लोग कंपनी सर आए हुए होते हैं, उनकी पेमेंट कंपनी कर रही होती है, उनको भी कुछ नहीं मिलता है। जिन बच्चों ने गेट के मार्क्स के थ्रू लेते हैं उन सारे बच्चों को स्टाइपमेंट मिलता है, ठीक है। स्टाइपमेंट कितने महीने का मिलता है, तो जनरली स्टाइपमेंट 24 महीने का पूरा मिलता है। AICTE में क्या होता है, वहां पे तो AICTE के थ्रू मिल रहा होता है, तो प्राइवेट स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज का उनका अलग रूल है, ठीक है, वो आप गेट के थ्रू जब वहां पर एडमिशन लोगे तो उसके थ्रू आपको अलॉट होगा, ठीक है, स्टाइपमेंट मिलेगा। तो ये दोनों एकदम अलग अलग हो जाते हैं, MHRD अलग, AICTE अलग हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि आपको क्या एमटेक अगर आप बीच में छोड़ देते हो तो क्या आपको स्टाइपमेंट वापस करना पड़ता है? तो चलिए मैं आपको एक बढ़िया बात बताता हूँ।
देखिए, जब आप इस साल से, क्या पिछले दो साल से मैं देख रहा हूँ, एक रूल आ रहा है, कुछ IITs NITs क्या कर रही है, सबसे पहले एक बोनाफाइड साइन करा लेती है। उस बोनाफाइड में लिखा रहता है कि अगर आप हमारे यहाँ के एमटेक के कोर्स को बीच में छोड़ते हैं तो आपका जो भी पूरा स्टाइपमेंट है वो सब आपको वापस करना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ IITs NITs में ये होता है कि आपको स्टाइपमेंट वापस नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उनका मानना ये होता है कि स्टाइपमेंट जो मिलता है वो आपको मिलता है टीचिंग असिस्टेंसिव ड्यूटी के लिए। मतलब आपको हफ्ते में कुछ 4 घंटे देने होते हैं लैब लेने के लिए, बीटेक वालों की पेपर वगैरह चेक करने के लिए, तो वो टीचिंग असिस्टेंसिव के लिए आपको 12,400 रुपये पर मंथ मिल रहे हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, उनका ये मानना होता है कि अगर आपने ये काम किया है, आपने TA ड्यूटी तो की है, तो आप इस स्टाइपमेंट को होल्ड करते हो, आप आपके लिए ही था, मतलब आपने अपना काम दिया उसका पैसा आपको मिला। जैसे मेरा लाइक एग्जांपल, मेरा दोस्त ने IIT मंडी से बॉम्बे शिफ्ट किया, तो मंडी ने भी उसे स्टाइपमेंट दिया, उसे बॉम्बे भी स्टाइपमेंट दे रहा है। आता है कि बेस्ट बैंक क्या होता है स्टाइपमेंट के लिए, इसके लिए मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाकर डाला हुआ है, अपने आई बटन में उसकी लिंक दे रहा हूं, और जब वीडियो खत्म होगा ना तो एंड स्क्रीन में भी दिख जाएगा कि बेस्ट बैंक। तो IITs NITs डिपेंड करता है कि किस IIT NIT का स्टाइपमेंट किस बैंक में आता है। बट मैं तो आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर आपका SBI में अकाउंट है तो बहुत अच्छा, और SBI में अकाउंट नहीं है तो खुलवा लो। क्योंकि देखो यार, अभी बहुत सारे IITs NITs का स्टाइपमेंट SBI में ही आता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आप जॉब में जाओगे, जॉब के टाइम पे भी बहुत सारी कंपनीज का स्टाइपमेंट, जो बहुत सारी कंपनीज की सैलरी वगैरह होती है वो भी SBI वगैरह में आती है। तो SBI का एक अकाउंट होना ही चाहिए आपके पास। तो मेरा तो ये मानना है कि SBI का एक अकाउंट खुला लो अगर आपके पास अभी तक नहीं है। इंपॉर्टेंट बात आती है कि हमें स्टाइपमेंट मिलेगा कब, है ना। हमारी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, हमें स्टाइपमेंट कब मिलेगा, देखो अब यहाँ पर क्या होने वाला है। देखो स्टाइपमेंट कब मिलता है, आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद मिलता है। जब आप एडमिशन ले लेते हो, एक आध दो महीना निकल जाता है, फिर कॉलेज क्या करता है, आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करता है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, जैसे TC, माइग्रेशन, आपकी जो मार्कशीट वगैरह है, 10th की मार्कशीट, जो डेट ऑफ बर्थ, सबको डेटा के लिए वो एक फिजिकल वेरिफिकेशन रखता है। पिछले साल से पहले कॉलेज में डायरेक्ट बुलाया जाता था, फिर उनका फिजिकल वेरिफिकेशन पहले महीने में हो जाता था और उन्हें स्टाइपेंड मिलने लगता था। पिछले साल क्या हुआ, कोरोना आ गया, कोरोना के चक्कर में क्या हुआ, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो पाए। तो पर बहुत सारी जो IITs थी उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन वेरिफिकेशन ही करा लिया, ठीक है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन करा लिया और उनका स्टाइपमेंट चालू हो गया। बहुत सारी NITs ने ऐसा नहीं किया, बहुत सारी NITs ने स्टाइपमेंट को रोक के रखा, या उन्होंने फिर एक ऑफर किया कि बच्चों को कि अब एक टाइम आ गया है, अब यहाँ पर आप अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करा लीजिए, या फिर उन्होंने क्या किया, 6 महीने के बाद अपना एक ऑनलाइन वेरिफिकेशन तैयार किया कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन अब आप करा लीजिए, अब से आपका स्टाइपमेंट चालू हो जाएगा। जैसे NIT तिरुची में बच्चों को बोला गया था कि आप कॉलेज में 3 दिन का विंडो दिया गया था कि आप आ जाइए, और 3 स्लॉट रखे गए थे, 3 मतलब 15-15 दिन के डिफरेंस में, कि आप आ जाइए और अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करा लीजिए, उसके बाद हमारा स्टाइपमेंट चालू हो गया था। IIT दिल्ली ने और IIT कानपुर ने पहले ही ऑनलाइन वेरिफिकेशन करके स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे यार, अगर मैं इंटर्नशिप मेरी लग गई कॉलेज में तो क्या उसके साथ मुझे स्टाइपमेंट मिलेगा। तो मैं आप लोगों को बहुत ही क्लियर बताना चाहूंगा कि अगर आपकी इंटर्नशिप लग चुकी है तो उसके बाद आपके स्टाइपमेंट को रोक दिया जाएगा। अगर आपकी इंटर्नशिप पेड है, मतलब आपको इंटर्नशिप करने के पैसे मिलते हैं, तो फिर आपको स्टाइपमेंट नहीं मिलेगा। और मैं आपको बोलूंगा, अगर आप ऐसा दिमाग लगा रहे हो कि ऑनलाइन चल रहा है तो मैं इंटर्नशिप भी छुपके कॉलेज से कर लेता हूँ, उनसे भी पैसे ले लेता हूँ और कॉलेज से स्टाइपेंड भी ले लेता हूँ, तो ये बहुत गलत है, इसमें फंस सकते हो आप लोग, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपकी इंटर्नशिप लगती है पेड वाली, तो आप कॉलेज के TP को इन्फॉर्म कर दीजिए कि आपकी इंटर्नशिप लग चुकी है, तो आपका स्टाइपमेंट रोक दिया जाएगा, अन्यथा आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। तो ऐसा दिमाग ज़्यादा मत चलाइएगा। बस आज के जो ये क्वेश्चंस थे, ये पूरे वीडियोस में मैंने पूरे क्वेश्चंस आई थिंक मैंने कवर कर लिए हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। आप क्या करिए कि मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें बहुत अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आते रहते हैं। हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, मैम को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, जो भी डाउट है सारे पूछ लो यार, लिंक्स को एक बार चेक कर लिया करो, ठीक। बढ़िया से हमारे कंटेंट को देखते रहो, बहुत बढ़िया एमटेक का कंटेंट मैं लगातार ला रहा हूँ। और जिन्होंने मेरा ब्लॉग नहीं देखा है वो लोग ब्लॉग को भी देख लीजिए। बने रहे, जुड़े रहे, देखते रहे सिद्धार्थ लाइफ सिद्धार्थ शुक्ला के साथ। नमस्कार।